नमस्कार, स्वागत है आपका अनादर टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा रविवार को कासगंज पहुंची। यहां आयोजित इस जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। अमित शाह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। साथ ही 2022 में बीजेपी को 300 पार तक सीटें मिलने का दावा भी ठोक दिया। गृहमंत्री ने सपा और बसपा को जातिवाद परिवारवाद वाला दल बताया। सपा बसपा और कांग्रेस के 70 सालों में उत्तर प्रदेश में केवल 2 एक्सप्रेसवे बने, तो पिछले 5 सालों में भाजपा सरकार ने 5 एक्सप्रेसवे बनाए, जिसका उन्होंने दावा किया। मेरे पास कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट आती है, जहां से भी यात्रा गुजरती है, ऐसी ही भीड़ सब जगह होती है। वालों को बहुत दे सकते हैं क्या?